व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ फिर से किचन में एक नई रेसिपी के साथ, इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसे हम ढोकले, दही बल्ले और कई प्रकार के चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलो चटनी बनाना शुरू करते हैं। 2 ग्राम इमली चाहिए, इसे हम आधा गिलास पानी डालेंगे और इसे भिगो देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसे भिगा रखेंगे। अगर हमें जल्दी हमें चटनी बनानी है तो हम गर्म पानी में इसे भिगो देंगे 1/2 घंटे के लिए, पर हमें जल्दी नहीं है इसलिए हम 1 घंटे के लिए इसे ताज़े पानी में भिगो कर रख देंगे। 1 घंटे बाद हमारी इमली इस तरह भीग चुकी है, इसे हम हाथ से अच्छी तरह मसल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालते हुए अच्छी तरह मसल लेंगे। अब जिसमें हमने चटनी बनानी है, हम एक छोटी कढ़ाई लेंगे, उसमें एक छाननी रख के उस पर हम अपनी इमली डालकर उसका पल्प निकाल लेंगे अच्छी तरह, जिससे बीज वगैरह कोई गुद्दा इसमें नीचे ना जा सके। हम इसका असर अच्छी तरह मसलते हुए निकाल लेंगे छाननी से। पल्प छान लिया है, अब इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। जैसे हमारी इमली 100 ग्राम थी, 100 ग्राम ही हम गुड़ अच्छी तरह बेलन से कूट लेंगे। और जैसे इसमें उबाल आने लगा है, अब हम इसमें अपना कूटा हुआ गुड़ डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह स्पून से हिला देंगे। हम इसमें 1/2 चम्मच नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सी लाल मिर्च, थोड़ा काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छी तरह हिला लेंगे इसे हम। जैसे इसमें उबाल आने लगा है, अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च स्वाद अनुसार डाल देंगे। इमली में उबाल आने लगा है चटनी में, इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे। जैसे कि गुड़ का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसलिए हम इसमें थोड़ी चीनी की मात्रा भी ऐड करेंगे। हमने सूप वाले स्पून 4 ऐड किए हैं इसमें चीनी के। उबाला हमारा अच्छा आ गया है, चटनी हमारी अच्छी तरह खोलने लगी है। अब हम गैस बंद कर देंगे, हमारी चटनी अब रेडी है। मेरी चटनी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।